हम लोग बंबई से सिर्फ एक घंटा दूर आए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ पर कितने दिन रुकने का इरादा है? यार अभी पहुंचे नहीं हो तो शुरू हो गया। तुम्हें पता है ना, एक या डेढ़ महीना रहने वाले हैं। अपनी वो सीसाइड होटल है ना, उसके इंटीरियर्स के लिए मैं पेंट करता रहूंगा और तुम अपना एंजॉय करते रहना। बीच पास में ही है, आगे से राइट ले लेना, कॉटेज वहीं पर है। मेरी ज्यादातर पेंटिंग बीच पर ही होने वाली है। जय, अगर बोर हो जाओ तो वापस घर चले जाना और फिर से आ जाना, मैं तो यहीं रहने वाला हूं। क्या हो रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, एक मिनट मैं देखता हूं। क्या हो गया? अभी खराब होना था इसे। चल, थोड़ा वायर लूज हो गया था। चल अजीत, क्या देख रहा है? वो लड़की। लड़की? कौन लड़की? अरे वो, अरे कहाँ गए? यहाँ पर तो थे। Enough. यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कहूं तो क्या कहूं। इस लड़की की तस्वीर मेरे दिमाग में है पर पेपर पर नहीं आ रही है। बस मुझसे बड़ा गधा भी इस पूरी दुनिया में नहीं होगा जो बैठा बैठा इस वीराने में एक आदमी को स्केच पे स्केच बनाते देख रहा है। स्केच पे स्केच बनाते देख रहा है, और वो भी किसका? एक ऐसी लड़की का जिसको उसने सिर्फ कुछ सेकंड्स तक देखा है। इसका मतलब तुम पूरे वक्त ये लाइनें बनाते रहना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम यहां आए क्यों थे? बोलो बोलो, क्यों आए थे? सी साइड होटल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पेंटिंग्स बनाने एक महीने में, और बंदा पहले ही दिन आशिक। वाह। हाँ यार, इस लड़के के चक्कर में तो मैं सब कुछ भूल ही गया था। मैं अभी जाता हूँ बीच पर, अपना काम शुरू करता हूँ। हाँ जाओ जाओ, रात में क्या पेंट करोगे? अंधेरा ना, जाके पेंट करो अंधेरा। जय, रात को ही तो रोमांटिक मूड होता है। समुद्र खूबसूरत लगता है। मैं जल्दी से कुछ स्केचेस बना लाता हूँ, आराम से पेंट करता रहूंगा। जरा ध्यान से, हाँ बारिश आने को है। अच्छा रुक रुक रुक, एक काम कर, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि अपना ये पोर्टफोलियो भी साथ में लेता जा, जब बारिश आए तो इसी को यूं करके ओढ़ लेना। आप पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू, मगर आपका भाई मुझे पता भी नहीं चला, आपकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। ये फूल, ये कार्ड्स,
आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट, बहुत अजीब टाइप के कार्ड्स हैं। डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती है। हैप्पी बर्थडे डियर टीना, वी मिस यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। इनका क्या मतलब, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? तुम इन्हें छोड़ के दूर कहाँ चली गई टीना? ये सब कार्ड्स मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने भेजे हैं, मैं उनसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। तो जरा भी भीगी नहीं, आपके कपड़े, आपके बाल, कुछ भी नहीं भीगा, और आप भी इतनी बारिश में से आई हैं। तुम ही मुझे बर्थडे प्रेजेंट क्यों नहीं देते? मेरी तस्वीर बना दो। हाँ क्यों नहीं, मुझे बेहद खुशी होगी। मेरे पिताजी की आवाज है। प्लीज रुक जाइए, बस कुछ देर की बात है, वैसे ये हो ही गया। नहीं, मुझे जाना होगा। रुकिए, कम से कम ये जैकेट लेते जाइए। इसकी जरूरत नहीं। प्लीज टीना, 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 टीना मेरी बात सुनो, टीना, 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 अभी स्केच पूरा नहीं हुआ, हम फिर से कब मिल सकते हैं? सर मैं अजीत। टीना गाड़ी में जाके बैठो। देखिए सर, सर मेरा स्केच अभी थोड़ा सा ही बाकी है। देखो तुम्हारे स्केच या तुम्हारे नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। टीना आम लोगों की तरह नहीं, एक अलग किस्म की लड़की। सर देखो, उससे दूर रहो तो ही बेहतर है, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई। टीना, टीना सुनो, ZMT 1943। ऑफिस से तो यही पता बताया था। अल्फ्रेड ब्रिगेंजा।
लेकिन यहाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? शायद हो सकता है घर के पिछवाड़े हो। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, ये बैकयार्ड में किसकी ग्रेव है? ये फूल, ये कार्ड्स, अरे ये फूल, शायद वही फूल है जो मैंने टीना के हाथ में देखे थे। यस, और ये कार्ड्स, डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। हैप्पी बर्थडे, ये तो वही कार्ड है जो मैंने टीना के हाथ में देखा था। डियर टीना, वी मिस यू सो मच। अजीब है, और ये तो मेरा जैकेट है, यहां कैसे? आप यहां? टीना, मैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये देने आया था। बहुत प्यारी है, आप अंदर चलिए, पीछे का दरवाजा यहाँ से है। आइए, आ जाओ। वाओ, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। ये सब मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स हैं, मेरे डैडी ने खींची हैं। बहुत अच्छी फोटोज हैं। मेरे डैडी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स खींचते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर तो तुम्हारी अब की एक भी तस्वीर नहीं, सारी की सारी बचपन की हैं। अब ये है ना तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग, इस पेंटिंग में मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसी अब हूँ। इस पेंटिंग को मैं यहाँ लगाऊंगी। तुम्हें पियानो पसंद है? मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है, डैडी ने सिखाया है मुझे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? I'm sorry sir, मैं अजीत, आपको मैं बीच पर मिला था,
आपने जो कहा था मुझे याद है, पर मैं टीना को ये देने आया था। हाँ डैडी। मेरे पास टीना की अभी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है, टीना की तरह। सर, मैं टीना को उसके जन्मदिन पर ये तोहफा देना चाहता था। फिर भी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। टीना, तुमने इसे यहां अंदर कैसे आने दिया? मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते मिस्टर ब्रिगेंजा, पर टीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, पर नहीं तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। डैडी, 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 मैं भी इसे बहुत चाहती हूं। सर, आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूं। मैं वाकई टीना को बहुत चाहता हूं सर। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम टीना से मिल सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। जी। एक, तुम टीना से सिर्फ इस घर में आकर ही मिल सकते हो। दो, अपने दोस्तों और परिवार वालों से तुम टीना के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तीन, तुम टीना को किसी से भी मिलवाने की कोशिश नहीं करोगे। मगर बस, अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर है तो ही तुम टीना से मिल सकते हो, वरना यहां से जा सकते हो। सर, मैं टीना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन अब मैं टीना से अलग नहीं रह सकता, इसलिए सर आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब तुम यहां पे रुक सकते हो। टीना, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए पियानो बजाऊंगी। ठीक है, ये बात ठीक रहेगी, आओ प्लीज। अभी वही हूं, बस कुछ शॉपिंग के लिए यहां आया था। वहीं पे कॉटेज में? पर मैंने कितनी बार तो तुझे फोन किया, मैसेजेस छोड़े, बल्कि 4-5 बार तो मैं खुद चिट्ठी छोड़ कर आया। यार, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, सॉरी, जरा बिजी था। टीना के चक्कर में बिजी था ना? वो चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कब का भुला चुका हूं मैं। ए, झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या लड़कियों के कपड़े हैं? अब तू लड़कियों के कपड़े कब से पहनने लगा? अरे मैंने यार, वो टीना के लिए। टीना? हाँ यार, मैं अपनी टीना से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। चाहे मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चलता हूँ, वो मुझे बुला रही है, बाद में बताऊंगा। पर कौन बुला रही है, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे वो टीना।
सिर्फ एक आदमी बैठा है। अरे टीना दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, मैं बाद में बताऊंगा, मैं आता हूं, बाय। टीना, अजीत, अजीत, कमाल है, यहां भी कोई नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी की कब्र लगती है। टीना की याद में बॉर्न 15/3/1975, डाइड 12/7/1989. साहब आपका दूसरा पैक रेडी है। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये टाई पत्थर में फंस गई थी, या मेरा वहम था, या वाकई में कोई हाथ कब्र से मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। Thank you.
नहीं आता। कोई बचाओ उस लड़की को। मुझे दर्द नहीं आता। कोई इस लड़की को बचाओ। सुनो अजीत, टीना के मामले में भारी गड़बड़ है, भारी। मैं वहां गया था। तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे सब मालूम है। तुम वहां उस वक्त जाते हो जब घर पर कोई नहीं रहता। तुम घर के आसपास जासूसी करते हुए मंडराते रहते हो। टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे बीच में मत पड़ो। अजीत, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। टीना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बस करो। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। मालूम है, टीना ने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। अब मेरी समझ में आ रहा है क्यों। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अजीत, अजीत, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने। इस पर बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको कैसे बताऊं कि मुझे टीना के बारे में कुछ और पता लगाना होगा। कुछ और, लेकिन कैसे कैसे कैसे। इस तस्वीर की मदद से क्या चाहिए साहब, इसे ढूंढ रहे हैं आप? देखो, मैं एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? आइए सर, आइए। सामने हमारा एक स्टाफ क्वार्टर्स है, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए आपको। कितना दूर है? एक ही सामने ही है। चारी, ये कौन है? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। आप अंदर क्यों आए हैं? यहाँ छुट्टियाँ चल रही है। अब देखिए मैडम, मैं एक लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। वो यहाँ की स्टूडेंट है, टीना ब्रिगेंजा। टीना ब्रिगेंजा? हाँ, वो शायद सीनियर क्लास में होगी, हो सकता है थर्ड ईयर में हो। उसकी उम्र 20 के आसपास होगी। ये लड़कियों का 12वीं तक का जूनियर कॉलेज है। यहाँ 17-18 साल से ज्यादा उम्र की कोई लड़की नहीं होगी। और मैं किसी टीना ब्रिगेंजा को नहीं जानती। लेकिन वो यही गेट के सामने देखी गई थी। हो सकता है वो आपके यहाँ टीचर हो। टीचर? मैं अपनी पूरी स्टाफ को जानती हूँ। इस नाम की कोई टीचर नहीं है। चारी ने बाहर छोड़कर आओ। चलिए साहब, आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। देखिए, मेरे पास ये टीना का एक स्केच है। हो सकता है आप इससे पहचान सके उसे। ये कैसे हो सकता है? आप इस टीना ब्रिगेंजा को ढूंढ रहे हैं? आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती थी। ये बिल्कुल उस टीना ब्रिगेंजा से मिलती है जो यहाँ 10 साल पहले पढ़ती थी। ये चेहरे पर दिल, ये एक्सप्रेशन, ये मुस्कुराहट, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? टीना को देखे मुझे 10 साल हो गए। टीना अगर बड़ी होती तो बिल्कुल ऐसी ही लगती। लेकिन अभी ये टीना कहाँ है? अभी 1.5 महीने पहले तो ये स्कूल के सामने देखी गई थी। आपको वो गलतफहमी हुई होगी। वो 10 साल पहले मर चुकी है। क्या?
आइए। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपका दोस्त आज दोपहर को ही चला गया यहां से। लेकिन कहां चला गया? आपको आपको कुछ तो बता के गया होगा, कहां गया है? मुझे क्या बता के जाएगा भला वो? पर मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो अपने लिए नए सूट का ऑर्डर कर रहा था, एक अंगूठी भी ऑर्डर की थी। मुझे लगता है वो शादी की तैयारी कर रहा है। शादी? कमाल है, अजीब दोस्त है आपका, शादी कर रहा और आपको बताया तक नहीं। कहीं अजीत टीना से तो शादी नहीं कर रहा, लेकिन जो 10 साल पहले मर चुकी हूं उससे कोई कैसे शादी कर सकता है? कैसे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत भी मरने वाला हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आज पहली बार इस घर में खुशियां मनाई जा रही है। चीयर्स। चीयर्स। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई टीना से शादी करना चाहते हो? क्या तुम हमेशा टीना के साथ रहना चाहते हो? यस सर, मैंने फैसला कर लिया है। और सर, टीना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। क्यों टीना? पहले तुम्हारी ये वाइन खत्म करो। मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, क्योंकि आज रात ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन सर, हमें किसी रजिस्ट्रार वगैरह को भी तो बुलाना पड़ेगा। सब इंतजाम हो जाएगा, जरा शांति से काम। टीना चलो, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तब तक मैं भी पीछे वाले कॉटेज में जाके अपना काम पूरा कर देता हूं, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा काम है सर? जरा सब्र से काम लो, सब कुछ पता चल जाएगा। पियो बची हुई वाइन, पियो। हाँ चलो। फिकर मत कर टीना, वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। कॉटेज में है। पीछे वाले कॉटेज में चल, हमें अभी यहाँ से बाहर चलना है। अभी क्या? अभी तू कहना क्या चाहता है? टीना मर चुकी है अजीत। अजीत, टीना मर चुकी है। आज से 10 साल पहले जब वो 14 साल की उम्र की थी तो समुद्र में डूबकर मर गई थी। पागल हो गया है। बिल्कुल पागल हो गया है तू। यहाँ मैं उसे शादी करने जा रहा हूँ और तू ये बकवास सुनाने आया है। तू एक एक मरी हुई लड़की से शादी करने जा रहा है अजीत। अजीत बेवकूफ, तू समझता क्यों नहीं है? टीना मर चुकी है अजीत, टीना मर चुकी है। तू इसको देख रहा है ना,
वो जिंदा टीना नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जय तू पागल हो गया तू। क्या हुआ अजीत? क्या हुआ? लगता है ये हुआ, वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली है मैंने। इसमें तो अजीत, इसमें तो अजीत, अजीत क्या हुआ? दरवाजा खोलो। चलो पीछे की तरफ, शायद वहां दरवाजा खुला हो। अजीत मेरे भाई, होश में आओ अजीत। सर घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? टीना, टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, कहाँ हो तुम लोग? टीना, अजीत उधर आओ। टीना, आज हमारी शादी होने वाली थी पर टीना है। कंट्रोल करो सर। टीना, सब यहाँ आइए, देखिए बंगले के पीछे क्या है। सब सब यहाँ आइए, यहाँ देखिए सब। ये देखो, यहाँ टीना दफनाई गई थी 10 साल पहले। लगता है अल्फ्रेड उसकी अस्थियां लेकर भाग गया है। टीना की याद में 1153 1975 डाइड 12/7/1989। मतलब टीना मर चुकी थी। तू एक आत्मा से शादी करने जा रहा था और तुझे पता है क्या होने वाला था? ये देख, इसको पढ़। क्या क्या लिखा ये? टीना के पति अजीत की याद में, जो हमेशा के लिए यहां उसके साथ है, 1357 डाइड 10/12/1999। मतलब 10 दिसंबर, यानी आज का दिन। ये था तेरी शादी का अरेंजमेंट जो अल्फ्रेड ने करके रखा था। ये तेरे लिए कब्र खोद कर रखी है यहां पर। ये उसका तरीका था टीना और तुझे साथ साथ रखने का। उसने तुझे वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर शायद तेरा खून कर देता। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो अल्फ्रेड टीना की अस्थियों को लेकर भाग गया है।
लेकिन वो कहाँ होगा, कहाँ गया होगा वो? कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन वो समुंदर के आसपास ही कहीं जाएगा, क्योंकि टीना को समुंदर से बड़ा लगाव था। एक खूबसूरत औरत टीना कभी आपको समुद्र के किनारे पर घूमती मिल सकती है। अगर आपको कभी वो दिखे या वो आपको देखे तो ध्यान रखिए, वहां से फौरन भागने में ही फायदा है। टीना अकेली है, एकदम अकेली, और उसे एक साथी की तलाश है जो हमेशा उसका साथ दे सके। हो सकता है वो आप। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।